Hey guys, welcome back to my channel, Be That Diva. I hope you all are doing well. And I'm back with an exciting Amazon haul. आज के Amazon haul video में मैं आपको कुछ ऐसे beauty products दिखाने वाली हूँ which are too good, they are amazing. And मुझे ये मिले हैं at such a steal deal. As you all know, अभी Amazon पे Great Indian Festival sale चल रहा है जिसमें कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा affordable price पे, pocket friendly price पे मिल रही है with some amazing offers and discounts. So you should definitely go and check out. Now इसी sale में से मैंने कुछ beauty products खरीदे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे products हैं ये, मैंने काफ़ी time से use कर रही हूँ. So I am going to review them one by one. So without any further delay, let's get started. But before that, if you like the video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. So the first product that I truly believe is the Cetaphil Skin Cleanser. I absolutely love it. I think ये 10th या 11th time है कि मैंने ये वापस bottle खरीदा है. Actually मैं मेरी जो skin doctor है उन्होंने मुझे इसे recommend किया था. मेरे face पे एक time पे बहुत ही ज़्यादा pimple और acne की problem हो रही थी and this skin cleanser is too good for that. So मुझे doctor ने recommend किया था but जब से मैंने इसे use करना start किया there is like no coming back. As I said कि ये मेरा 10th या 11th bottle है. I don't even remember, मेरे ऑर्डर हिस्ट्री में बार बार रिपीट होता रहता है अमेज़न पे. सो ये सेटाफिल ब्रांड का है, इट इज अ वेरी गुड ब्रांड, मेडिकेटेड ब्रांड है. तो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, कोई भी इसमें केमिकल या सल्फेट नहीं होता है. नाउ ये स्किन क्लेंजर अगर आपको पिंपल एक्ने की थोड़ी भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन ऑयली है जिसकी वजह से आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. ये जो बॉटल है ये मैंने छोटा वाला खरीदा है बिकॉज दिस इज ट्रैवल फ्रेंडली. इसमें अलग अलग साइजेस अवेलेबल होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हो. नाउ इसका जो एक्चुअल प्राइस है 305 है बट सेल में अभी इसका प्राइस है 250. प्राइजेस जो है वो ऊपर नीचे चेंज होते रहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डाल दिए हैं, सो यू कैन गो एंड चेक आउट. सो ये काफी ज्यादा अच्छा है, आप इसे सुबह यूज कर सकते हो, रात में सोने से पहले भी यूज कर सकते हो. बहुत ही ज्यादा लाइट वेट क्लेंजर है, बहुत ज्यादा फोम नहीं होगा इसमें बट इट विल डीपली क्लेंज योर पोर्स. सो दिस इज रियली गुड, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मामाअर्थ ग्लो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट. बहुत ही टाइम से मैं एक ऐसा कॉम्पैक्ट ढूंढ रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्लीक सा हो, मेरे ट्रैवल बैग में इजिली फिट हो जाए, एट द सेम टाइम वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हो. एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वन. मुझे मैंने इसे एक बार पहले भी यूज कर रखा है एंड देन आई रीऑर्डर्ड दिस बिकॉज मुझे सेल में काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा था. इसका एक्चुअल प्राइस है जो 499 है लेकिन सेल में मुझे ये 439 का मिला है, सो इट इज अ गुड डील. नाउ ये जो है द रीजन आई लव दिस वन बिकॉज इसमें विटामिन सी और टर्मरिक का एक्सट्रैक्ट है. सो जब आप इसे फेस पे लगाओगे ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ओवर मेकअप कर रखा है, बहुत ही सटल ग्लो आता है आपके फेस पे. एट द सेम टाइम ये आपके फेस पे ऑयल को कंट्रोल करता है. आई रियली लव दिस पैकेजिंग, जिस तरह से ये कॉम्पैक्ट है पूरा बहुत ही स्लीक है, आपके पोर्स में इजिली आ सकता है. सो जब आप इसे ओपन करोगे अंदर इस तरह से, इट इज स्टिल न्यू, मतलब इसमें अभी तक पैकेट लगा हुआ है. सो अंदर इस तरह से आपको स्पॉन्ज भी मिलता है फॉर द एप्लीकेशन, अंदर एक यहाँ पे मिरर भी है. सो ट्रैवल में अगर आपको यूज करना है यू कैन सिंपली यूज इट एंड देन ऑब्वियसली इस मिरर को आप लिपस्टिक लगाने के लिए भी यूज कर सकते हो. नाउ इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, मेरा जो शेड है वो है आइवरी, सॉरी क्रीम ग्लो. बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. एंड आई थिंक ऐसा कॉम्पैक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली ऐसे टाइम में जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके आपको बहुत ही ज़्यादा फेस पे अगर स्वेटिंग होती है, तो ऐसा कॉम्पैक्ट जो आपके फेस पे ऑयल को कंट्रोल करे इज रियली इंपॉर्टेंट. सो दिस वन इज टू गुड. इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, सो यू कैन गो एंड चेकआउट. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मेबेलिन कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा. दिस इज सो गुड, मुझे इसके ब्रिसल्स काफी ज्यादा पसंद है. जब भी हम मस्करा लगाते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए इज द ब्रिसल्स. इसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत ही फाइन होने चाहिए. सो मेबेलिन का ये वाला जो मस्करा आता है विच इज द वाटर प्रूफ वन इज रियली गुड. नाउ इसका एक्चुअल जो प्राइस है दैट इज 449 लेकिन मुझे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मुझे ये मिला है 330 रुपीज का. दिस इज एन अमेजिंग डील. इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. सो मुझे ये काफी पसंद है, इसमें अलग अलग कलर आते हैं, ट्रांसपेरेंट वाला भी आता है. मैंने नॉर्मल जो ब्लैक वाला शेड होता है वो लिया है. सो ये बहुत ही लाइक ट्रैवल फ्रेंडली भी है, इवन इफ यू वांट टू कैरी इट इन योर बैग तो भी काफी अच्छा लुक आता है. एंड फॉर द डेज जब आपको अपने आईलाइनर को डिच करना है एंड यू डोंट वांट टू पुट अ लॉट ऑफ मेकअप, लेकिन आई मेकअप एक ऐसी चीज होती है जो आपके पूरे लुक को एनहांस करती है, इन दैट केस ये जो मस्करा है ये आपके लैशेस को बहुत ही अच्छे से एक्सटेंड करता है. सो अगर आपको बहुत हैवी मेकअप नहीं करना है आप इस मस्करा को लगा सकते हो, एक लाइट काजल लगा सकते हो एंड गो फॉर अ न्यूड शेड लिपस्टिक.
दैट्स इट, काफी अच्छा लुक आएगा. जब आपकी लैशेज एक्सटेंडेड होती हैं, बड़ी लगती है ना, तो पूरा लुक वैसे ही काफी अच्छा आता है. सो मुझे ये काफी पसंद है. प्लस इसकी जो पैकेजिंग है ना, येलो एंड ब्लू कलर, इट्स सो वाइब्रेंट दैट आई रियली लव इट. बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. प्राइस मैंने आपको बता दिया, प्लस मेबेलिन इज सच अ गुड ब्रांड, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. एंड अगेन इट इज फ्रॉम द मेबेलिन एंड इट इज दिस मेबेलिन फिट मी मैट पोरलेस. सो हमें यूजुअली जो हम फाउंडेशन लगाते हैं रेडी होने के लिए, बट फॉर डेली यूज फाउंडेशन फेस पे लगाना इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, बिकॉज उससे आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं. इन दैट केस आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पास कुछ ऐसा हो जिसको कि आप डेली बेसिस पे लगा सको, लेकिन वो फाउंडेशन ना हो. इन दैट केस ऐसे जो बीबी क्रीम होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं. सो मेबेलिन का ये है लिक्विड फाउंडेशन, मैट फिनिशिंग में है और ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है. नाउ जो मेरा शेड है, मैं आपको अपना शेड नंबर भी बता देती हूँ. माई शेड इज शेड नंबर 17. इसमें अलग अलग शेड आते हैं, आप अपने आपका जो स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग खरीद सकते हो. द रीजन आई लव दिस वन, फर्स्ट एक तो इसकी फिनिशिंग मैट है, तो बिल्कुल भी ऐसे केक ही नहीं लगता है. प्लस बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है. अगर आपको डेली यूज में लगाना है इसको, तो आप इससे अपने मॉइस्चराइजर में मिला के भी लगा सकते हो. इसका जो एक्चुअल प्राइस है दैट 325 रुपीज, लेकिन मुझे मिला है ये 244 रुपीज में. सो मुझे काफी ज्यादा पसंद है. अगेन आई एम अ फैन ऑफ दोज थिंग्स जो कि ट्रैवल फ्रेंडली साइज में हो. ये भी बहुत ही छोटा वाला साइज है, आप इसे इजिली कहीं पे भी कैरी कर सकते हो. जो नॉर्मल फ्लैट स्पॉन्ज आते हैं, आप उसे इससे भी मिक्स कर सकते हो या फिर अपने हाथों से भी लगा सकते हो. और इसका टेक्सचर भी ना काफी ज्यादा अच्छा है, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बीबी क्रीम जो कि आपके पोर्स को क्लॉग ना करे और एक नेचुरल फ्लॉलेस लुक दे, you should definitely check this out. Now the next product is this Mama Earth Lash Care Volumizing Mascara. I heard a lot about this and then obviously Great Indian Festival Sale में सारी चीजें इतनी ज़्यादा affordable और pocket friendly price पे मिलती है. So I saw this on Amazon and I was like, let's try it. And oh my God, I am a fan of this mascara now. This is so good. Now इसमें ना castor और almond oil है, तो ये जब भी आप इसे apply करोगे अपने lashes पे, तो it will not only like elongate your lashes, but आपके जो lash है, आपकी जो आंखें हैं उसमें एक अलग सी शाइन आती है. आपकी जो लैशेस है वो मॉइस्चराइज रहते हैं, नरिश रहते हैं. जो लैशेस जब हम मस्करा लगाते हैं तो मस्करा सूखने के बाद थोड़ा ड्राई हो जाता है, लेकिन इसको लगाने के बाद ना आपके लैशेस में भी हल्की सी शाइन रहेगी क्योंकि इसमें कैस्टर और आलमंड ऑयल है. सो ये आपकी आंखों को खूबसूरत तो बनाएगा ही, साथ ही साथ ना उनका ध्यान भी रखेगा. एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट इट. नाउ इसका प्राइस है 499. मैंने इसको लिया था 449 रुपीज में. प्राइस चेंज होते रहते हैं, सो इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो या फिर प्राइस बढ़ जाए, गो एंड चेक आउट दिस. दिस इज टू गुड. एंड प्लस मामा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेड सर्टिफाइड होते हैं, विच मींस कि इसमें कोई भी केमिकल्स या टॉक्सिन्स नहीं है. सो लैशेज जो हमारे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ऐसे सेंसिटिव होते हैं. सो आई थिंक ऐसा मस्करा होना इज रियली गुड. मुझे इसकी पैकेजिंग भी काफी पसंद आई. इट्स लाइक प्लेन वाइट एंड देन उस पर मामा अर्थ का लोगो विद ऑल द डिटेल्स. एंड व्हेन यू ओपन दिस आई विल शो यू द ब्रिसल्स ऑल्सो. Have a look at this. It's like so fine. And जब आप इसे लगाओगे ना तो आपको feel होगा कि आप ऐसे कुछ जैसे moisturizer वाला अपने lashes पे लगा रहे हो, and you will love it. So मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आया. So you should also go and check out. Now the next product is this L'Oreal Gel Cleanser. So I'll tell you the exact name. It is Revitalift Hyaluronic Acid Hydrating Gel Cleanser. ये मैंने पहले भी use किया था and I really loved the result. So I reordered it in the sale because काफी अच्छे price में मिला है. जो उसका price है that is 315. मुझे मिला है ये 224 रुपीज में. सच एन अमेजिंग स्टील डील. आई रियली लव दिस वन. एक तो ये पैकेजिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पर्पल कलर की, बहुत ही ज्यादा स्लीक सा है. एज आई मेंशनड कि मुझे ऐसे जो ट्रैवल फ्रेंडली साइजेस होते हैं जो कि इजिली किसी भी बैग में फिट हो जाए, बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं. प्लस जो इसकी क्वालिटी है ना, जो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, दैट इज रियली रियली नाइस. यू विल बी सो हैप्पी. मुझे भी काफी पसंद आया था. आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल द फर्स्ट टाइम व्हेन आई ट्राइड इट, बट द रिजल्ट्स वर सो गुड, सो Hence I reordered it. Now ये जो skin cleanser है, जब भी आपने makeup किया हुआ है, रात के time में आप सोने जा रहे हो, so makeup हटाने के बाद wipe से या makeup remover से आप उसके बाद इस gel cleanser को use कर सकते हो. ये deeply आपके pores को clean करता है और आपके skin को hydrate और moisturize करता है. बहुत सारे ऐसे cleanser होते हैं जिसे जो आपके skin को clean तो कर देते हैं, but it leaves your skin dry and dull. आपकी skin बहुत ही ज़्यादा dry और dehydrated लगती है. But since इसमें hyaluronic acid है, let me tell you,
हाइलूरोनिक एसिड स्किन के लिए एकदम इट्स लाइक द मैजिकल थिंग. ये आपके स्किन को बहुत ही ज्यादा डीपली नरिश करता है, तो इसमें वो चीज है. सो ये आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, प्लस काफी ज्यादा अफोर्डेबल और पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे मिल रहा है. सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक आउट. नाउ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जिसको मैं काफी सालों से यूज कर रही हूँ बट आई कांट गेट इनफ ऑफ इट, इतना ज्यादा अच्छा है ये. लैक्मे ब्रांड का ये रोज पाउडर है. इट इज लाइक कॉम्पैक्ट पाउडर ओनली बट इन द लाइक पाउडर फॉर्म. बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये जो शेड है. दिस इज सॉफ्ट पिंक, 40 ग्राम्स वाला ये बॉक्स है. अलग अलग साइजेस में आता है, लाइक आई थिंक इसके दो या तीन साइजेस हैं. दिस वन इज 40 ग्राम और इसमें दो शेड होते हैं. दिस इज द सॉफ्ट पिंक. तो जब आप इसे अपने फेस पे लगाओगे ना, तो वो आपके फेस पे ग्लो तो लाता ही है, ऑयल को कंट्रोल करता ही है, साथ ही साथ वो एकदम नेचुरल जो ब्लश आता है, हल्का सा पिंकिश लुक आता है, वो टेक्स्चर देता है आपके स्किन को, विच लुक्स रियली नाइस. सो ऐसा कोई भी दिन जब आप चाहते हो कि आपके फेस पे वो नेचुरल ग्लो दिखे, वो ब्यूटी दिखे, तो आप इसे यूज कर सकते हो. बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये. इस तरह से ओपन होता है, अंदर यू गेट दिस पैड टू अप्लाई इट. यू जस्ट हैव टू डू लाइक दिस एंड देन यू कैन अप्लाई इट. सो जैसे कि आप बीबी क्रीम यूज कर रहे हो और आपको हैवी मेकअप नहीं करना है, सो आफ्टर अप्लाइंग बीबी क्रीम आप इस लूज पाउडर को यूज कर सकते हो. बहुत एक तो इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा अच्छी है ना, आप इसके फैन हो जाओगे. सो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है. एंड द बेस्ट पार्ट, दिस इज रियली 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 पॉकेट फ्रेंडली. इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो ही 185 है, लेकिन Amazon ये आपको दे रहा है और भी ज्यादा सस्ते प्राइस में. मुझे ये मिला है 148 में. सो आई थिंक ये तो आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये आपको काफी पसंद आएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको ये जो बहुत ही ज्यादा अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखाए जो मैंने Amazon से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में लिए हैं, वो आपको पसंद आए होंगे. सारे लिंक्स और सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, सो यू कैन गो एंड check out, and I will see you soon with another video. Until next time, love.